आज ये हम भुवनेश्वर स्टेशन देखने के लिए आए थे, क्योंकि भारतीय रेल में बहुत सारा स्टेशन सुधर रहा है और ये हमारा कैपिटल सिटी का स्टेशन है। इसको हम लोग सुधारना चाहते हैं, इसके लिए आज ये विजिट रखा गया था। सीनियर अधिकारियों को लेकर DRM साहब भी आए हैं खुर्दा से। यहाँ हम लोग बढ़िया लाइटिंग करेंगे, एस्थेटिक लाइटिंग देंगे, साइनेजेस इम्प्रूव करेंगे, पैसेंजर की सुविधाओं में सुधार करेंगे। क्योंकि स्टेशन का जो मेन पर्पस है, उसका दो पर्पस है। जो हमारी ट्रैवलिंग पब्लिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और कंफर्ट मिले, और स्टेशन देखने में सुंदर लगे, जब पब्लिक आए तो उसको लगे हाँ किसी साफ़ सुथरी अच्छी वेल मेंटेन जगह जा रहा हूँ। और ये क्योंकि राजधानी का स्टेशन है, ये बहुत बड़ा स्टेशन है हमारे लिए, इसको बढ़िया दिखना एक हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमने आइडेंटिफाई करी हैं, लाइटिंग ठीक करना, साइनेजेस ठीक करना, वेटिंग रूम ठीक करना, और जो है जो यहाँ कमी है कि बताया गया बारिश में थोड़ा पानी इधर आता है उधर आता है, उस पानी को नहीं आने से बिल्कुल रोकना। बस प्लेटफॉर्म शेड पर के अंदर पानी आना तो फिर पर्पस डिफीट हो जाता है। और बाहर का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको भी कैसे सुंदर बनाया जाए, जो इधर कूड़ा करकट पड़ा है उसको हम लोग सोच रहे हैं एक बढ़िया सा पार्क बना दें। और जो दूसरा एंड है 6 नंबर की तरफ का, उधर भी जो रेलवे लैंड खाली पड़ा है उधर भी हम लोग सोच रहे हैं कुछ सुविधा दें। कुछ नहीं है तो कम से कम एक पब्लिक के लिए पार्किंग लॉट बना दें, क्योंकि यहाँ पार्किंग की शहर में बड़ी कमी है, तो आसपास के लोग उसको यूज़ कर सकेंगे। और जो बाकी ड्रेनेज का समस्या है कि जो हैवी बारिश पड़ने से पानी इधर से उधर सब तरफ भागता है, उसका सॉल्यूशन कुछ लगाएंगे, सम्प लगाएंगे, पंप लगाएंगे, ड्रेनेज इम्प्रूव करेंगे। ये फंडामेंटल पर्पस विजिट का ये है कि भुवनेश्वर स्टेशन को ऐसा सुधारना है कि पब्लिक को मैक्सिमम कंफर्ट, मैक्सिमम सुविधा मिले और देखने में गर्व महसूस हो कि हाँ ये उड़ीसा की राजधानी का स्टेशन है। और जैसा आप लोगों को ज्ञात है, इसके लिए सितंबर 2019 में एक MOU स्टेट गवर्नमेंट और ईस्ट कोस्ट रेलवे के साथ बीच में साइन किया गया था। उस प्लान में इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात है, जिसमें मॉल रहेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, रेस्तरां रहेंगे, बहुत तरह की पार्किंग रहेंगी नीचे और बहुत सारी सुविधाएँ पब्लिक की रहेंगी। उसमें रेलवे की भी सुविधाएँ रहेंगी, दो नई लाइनें डालकर प्लेटफॉर्म लगाने का भी उसमें प्रावधान है, और इसको एक पूरा बिजनेस सेंटर जैसे एक मॉडर्न एयरपोर्ट में होता है उस तरह का इस स्टेशन को पूरा आगे का इलाका स्टेट और रेलवे की लैंड दोनों को मिलाकर उस तरह से करने का प्लान है। इस प्लान के ऊपर 2019 से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू BDA ने जिसको एंगेज किया, उसने बहुत सारे नक्शे बनाए, प्लान बनाए, स्टेट और हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और वो नक्शा प्लान फाइनल हो गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब आ चुकी है, अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से ही स्वीकार होगी तब उसका एस्टीमेट बनाकर टेंडर करेगा BDA। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में उस प्लान पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, फिर आपको दिखाई देगा कि यहाँ किस स्पीड से काम होता है। बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर, ये सारे पुराने स्ट्रक्चर तोड़ दिए जाएंगे और एक नया पूरा स्टेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें हमारा जो काम का चीज़ है वो सारा उपलब्ध होगा और स्टेट बाकी चीज़ में वर्ल्ड क्लास एक कॉमर्शियल हब बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि जब वो कॉमर्शियल हब 2-3 साल में कम्प्लीट होगा, तब भुवनेश्वर कम से कम ईस्टर्न इंडिया के सबसे सुंदर स्टेशनों में से एक बनेगा। मैं और आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के पास भी कोई आइडिया है, कोई फीडबैक है पब्लिक से कि यहाँ क्या और होना चाहिए, क्या इसमें सुधार सुंदर बनाया जा सकता है, क्या फैसिलिटी दी जा सकती है, तो आप लोग हमको बताएं, जिस पर हम सोच समझ के कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि
एएलपी जिस टाइम पर यहाँ आए उस टाइम आपको मालूम है कोविड का पूरा कहर जोर पर था और सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इसीलिए बंद कर दिए गए थे, बहुत दिन तक बंद रहे। फिर जैसे जैसे थोड़ी हालात सुधरी तो हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया, उसमें बहुत सारे लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता भी जाना चाहते थे, उनकी सबकी भी हमने एप्लीकेशन इकट्ठी करी, जितने जाना चाहते थे जितना साउथ ईस्टर्न ने मांगा उन्होंने जितना वैकेंसी अपना भरना चाहा हमने उनको भी लोग दिया, वो भी लोग बड़ी खुशी से चले गए। और बाकी जो ट्रेनी बचे हैं उनके लिए भी अब ट्रेनिंग स्लॉट जैसे ऐसे कार्यान्वित हो रहे हैं सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमने भर्ती किया है, भर्ती करने के टाइम हमने वैकेंसीज का एस्टिमेट लगाया था कितनी वैकेंसी होंगी, उसी हिसाब से भर्ती हुआ था। भर्ती तो एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं हम, तो जितने भी लोग उस पैनल में आए हैं नौकरी सबको मिलेगी। कोविड के चलते देरी हुई है लेकिन वो सब उन सबको मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनको नौकरी सबको मिलेगी, वो लोग परेशान ना हों। हमारे ऑफिस में भी वो आए हैं, मेमोरेंडम देकर गए हैं, इधर उधर वो बेचारे घूमते भी हैं, मैंने बार बार उनको ये मैसेज दिया है आप निश्चिंत रहें नौकरी आपकी पक्की है, आपको हमने RRB के थ्रू भर्ती किया है। तो यही मैं आपको इस विषय पर बताना चाहता हूँ। नहीं देखिए देरी नहीं हो रहा है, वो उस पर देखिए ऐसा है कि गांधीनगर प्रोजेक्ट थोड़ा पहले शुरू हुआ था, उसमें ऐसा है कि ये MOU साइन हुआ था 19 सितंबर 2019 में, तो जब तक पहले टेंडर करके कॉन्ट्रैक्ट करके BDA ने एक कंसल्टेंट को दिया, वो सिंगापुर ना कहाँ का बड़ा कंपनी था, उसने नक्शे वक्शे बनाए, प्लान बनाए, 3-4 मीटिंग हुई हम लोगों की जॉइंटली, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर वाला जो नहीं समझता उसके सब उसमें डाली गई और फिर वो नक्शे फाइनल हुए और तब तक ये कोविड आ गया। 2016 से तो हुआ था ना? नहीं, 2016 से चर्चा चल रही थी लेकिन दिल्ली में उद्योग भवन में 19 सितंबर 2019 को MOU साइन हुआ, यही DRM साहब गए थे मेरे साथ साइन करवाने। हैं? 2017 फंड अलॉटमेंट उसमें है ही नहीं, वो तो PPP मॉडल पर है, उसमें जो लोग यहाँ ज़मीन लेंगे कॉमर्शियल स्पेस लेंगे उन लोग की फंडिंग है, वो उसमें फंड और उसका स्टेट गवर्नमेंट का फंड का प्रोविजन बहुत कम है, वो तो PPP मॉडल पर है। दिक्कत कहीं नहीं हो रहा है, मैंने आपको बताया ना 19 सितंबर 2019 को तो MOU साइन हुआ है, ठीक। बहुत सारी चर्चाएं निकल के आती हैं कि ये किसकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन कितनी, उसकी ज़मीन कितनी, और यहाँ तोड़ेंगे तो ड्रेनेज का क्या होगा इस इलाके का, बहुत सारी समस्याएं आती है ना, उनको करके हमने फिर 19 सितंबर 2019 में जब के दिन उसके बाद ही उस पर कागज़ पर सही तौर पे मजबूती से कार्रवाई शुरू हुई है। वो 6 महीने कार्रवाई होते होते जब तक वो नक्शे वक्शे फाइनल हुए तब तक कोविड आ गया। अब उसका DPR रेडी हो गया है, BDA के यहाँ एस्टीमेट बन रहा है, हमारे अफसर और उनके अफसर चर्चा कर रहे हैं, 1-2 महीने में मुझे लगता है एस्टीमेट रेडी होगा, उसके बाद उसका टेंडर निकलेगा। पहले जो लोग फंड करेंगे उनके पास उसकी इंक्वायरी जाएगी, आप क्या लेंगे, कितना पैसा लगाएंगे, और बाकी पैसे के लिए फिर और फंडिंग की जाएगी, फंडिंग टाई अप करनी पड़ती है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बाद उसका टेंडर निकलेगा। तो मुझे लगता है ये 6 महीने में इसका टेंडर होना चाहिए और उसके बाद 1.5 साल 12 से 18 महीने में ये काम कंप्लीट हो पाएगा। कौन सा एनकोचमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए आगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड पर है एनकोचमेंट, मेरी लैंड वहाँ है नहीं। नहीं नहीं एनकोचमेंट मेन प्रॉब्लम है क्योंकि वो लैंड स्टेट की है, एनकोचमेंट हट नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये जो नक्शा जो प्लान बनाया गया है इसमें जब तोड़फोड़ शुरू होगी एनकोचमेंट भी हटाएगा हटाया जाए। नहीं पहले यही जब तक MOU नहीं साइन हुआ था तब तक हम लोग बोल रहे थे मास्टर पाड़ा इस इलाके की लैंड हमको दे दीजिए,
बट देन तब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला कि साहब मिलकर इसको इस एरिया को ही डेवलप कर लेते हैं, तो लैंड हम लेंगे वाली बात खत्म हो गई। अब जॉइंट जॉइंट एक प्रोजेक्ट चलेगा जो डिजाइन अप्रूव किया गया है, अगले हिस्सा करेगा या पिछले हिस्से भी करेगा? नहीं, पूरा स्टेशन कॉम्प्लेक्स टूटेगा। देखिए, हाँ बता रहा हूँ आपको, पीछे का जो लैंड है जहाँ वो एक लेप्रोसी कॉलोनी या कुछ है उसको भी हम लोग ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई ले रहे हैं, वहाँ भी हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए कुछ फैसिलिटी लगाने जा रहे हैं। अपार्टमेंट किधर हो गया है? जरा ये सीनियर डीएम साहब इसको देखिए तो, हमारी लैंड कहाँ तक है? आप जरा ये चेक कर लीजिए, ये जो बता रहे हैं ये कौन सा अपार्टमेंट बना है हमारी जमीन पर है। मैं आपको यही बता सकता हूँ, जितना अभी तक मुझे याद आ रहा है, भुवनेश्वर में स्टेशन जो आज है इसके बाहर हमारी लैंड बहुत कम है। हाँ, नहीं, इधर का एक पोर्शन है जो 6 नंबर की तरफ जिसमें कुछ कॉलोनी बसा है। नहीं नहीं, पूरे 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 भुवनेश्वर की बात मत कीजिए, बात इस टाइम स्टेशन की हो रही है। एनक्रोचमेंट बहुत जगह है। अब एनक्रोचमेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक हम उस लैंड का हमारे को उसकी कुछ काम के लिए ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको ज़्यादा ढीला रखते हैं कि ठीक है लोग हैं, लोग हैं उनको चलने दो, चल रहा है। लेकिन जब भी जहाँ भी हमको जब लैंड की ज़रूरत पड़ती है तो हम लैंड में से एनक्रोचमेंट हटाते हैं। आप लोग को याद होगा जब ये रेल सदन भी बनाने के लिए बात हुई थी तब भी यहाँ भी एनक्रोचमेंट रेलवे ने किस तरह से हटाया था। जब ज़रूरत पड़ती है हमें अपने लैंड की तो हम लोग ज़रूर एनक्रोचमेंट हटाते हैं, बिकॉज जहाँ हमें अपने लैंड पर कुछ करना है उसको हम फिर एनक्रोचमेंट को हटाने की सारी पावर है। लेकिन जहाँ अभी ज़मीन खाली पड़ा है, हमारे भी कुछ आइडिया नहीं है उधर क्या होना है, उसमें हम लोग ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते नहीं। हाँ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल हुआ है। वो तो बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, 10-12 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, क्योंकि वो मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स है। नहीं, ये अभी फैसला नहीं हुआ, मैंने आपको बताया ना PPP मोड पर है ये। जब देखिए, जब दूसरे इन्वेस्टर से आप पैसा इन्वाइट करते हैं तो जब तक आप ये क्लियर नहीं है क्या बनेगा तब तक आप कोई फंडिंग आपको प्रॉमिस नहीं करता। तो ये स्टेज अब आई है क्योंकि DPR फाइनल हो गई, अब एस्टीमेट बन रहा है कि कितना करोड़ किस चीज़ में लगेगा। जब ये एस्टीमेट फाइनल हो जाएगा तब उनको निमंत्रण दिया जाएगा, आप क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप इसके बदले में क्या उम्मीद करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नोडल एजेंसी BDA है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी BDA है।